यह कविता NCERT की कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। इसका एनिमेटेड रूपांतरण सार्ट द्वारा प्रस्तुत है। इस कविता का नाम है पत्तियों का चिड़ियाघर। इस कविता में अनेक प्रकार के पेड़ और उनके पत्तों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं और हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं। पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम, गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूछ डंटी की, पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लम्बी मूछ, कहीं बबूल कहीं पेढ़ाक। होते हैं बेजान पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर, जल्दी आओ करो सफर, जल्दी आओ करो सफर। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अब आप बताइए, क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हो? वहां जाकर आपने क्या क्या देखा?